ईमान, ये सब कुछ तुम्हारी खामोशी का नतीजा है। अगर तुम मुझे सच बता रही थी ना तो ये नौबत ना आती। सच पता लगने के बाद भी क्या कर लिया आपने? मुझ पे इल्जाम लगा के मुझे घर से निकाल दिया। आहिस्ता बात करो। ईमान, मैंने तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला। आंटी और महान ने तो निकाला ना। धोखा नहीं, एहसान किया है मैंने तुम पर। तुम मेरे हाथ धो के पीछे पड़ी भी थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं किसी तरह। और जहां तक बात ईमान की है, तुम खुद उससे सबसे ज्यादा नफरत करती हो। मैं जानता हूं कि तुमने फखर भाई के सामने और अपने बाप के सामने क्या कुछ नहीं किया उसको जलील और रुसवा करने के लिए। कुछ चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता और इसे हमारी लाइफ में आना था तो वो। रियली? ये तुम कह रही हो महा? तुम कब से इतनी मिडिल क्लास बातें करने लगी? तुम और मॉम जो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाह रहे हो ना, उससे कुछ होने नहीं वाला। मैं कसम खा रहा हूं तुम सबको यहाँ अकेला छोड़ के अमेरिका चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर पालती रहना अपने इस बच्चे को। शुक्र है सब ठीक है। ईमान प्लीज इस बार थोड़ी एहतियात कर लेना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं कितना परेशान था। चलो मैं ड्रॉप कर दूं। नहीं शुक्रिया, लेकिन मैं खुद चली जाऊं। क्या मतलब खुद चली जाओगी? कैसे जाओगी तुम? क्यों, शहर में रिक्शा और टैक्सी चलना बंद तो नहीं हुई ना फखर? और वैसे भी मुझे तो शुरू से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की आदत है। ईमान अब छोड़ भी तो उस बात को। मैंने गुस्से में कह दी थी तो मैं अच्छी तरह से पता कि दादू की तबीयत खराब थी तो बस निकल गया मुंह से। गुस्से में ही तो इंसान सच कहता है फखर। अच्छा बस भी कर तो जैद अपनी, मेरे साथ चलो, कभी तो मेरी बात का मान रख लिया करो। मान ही तो था जो टूट गया, अब कुछ भी अहम नहीं रहा। और अब हम दोनों की मंजिलें भी एक बन गई। नहीं मां, ना ही मंजिलें अलग हुई और ना ही रास्ते जुदा है। ईमान तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है? ऐसा हरगिज नहीं। पर देखें ये जगह नहीं है इस तरह की बहस करने की। मुझे देर हो रही है, टीकू को घर पे अकेला छोड़ के आई हूँ, परेशान हो रहा होगा। ईमान महा, तुम भी कितनी अजीब हो ना, मुझसे इतनी बड़ी खुशी की खबर छुपाने वाली थी क्या? अच्छा ये बताओ, अहमद तो खुश है ना? तुम्हारा ख्याल तो रखता है। पता है जब से फखर को पता चला है ना ईमान की प्रेगनेंसी का, उसके तो तेवर ही बदल गए। उसकी तो पूरी कोशिश है कि वो ईमान को वापस ले आए। तो मैं ही हूं जो उसे। महा क्या हुआ बेटा? महा तुम रो क्यों रही हो मेरी जान, मुझे बताओ। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ घर जाना है। क्यों, क्या अहमद से कोई झगड़ा हुआ है? अगर बेटा कोई मसला था तो उस दिन डैड और फखर के साथ आ जाती। मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकती, लेकिन मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर वापस जाना है। प्लीज मॉम, प्लीज घर लेके चली जाए यहाँ से। बेटा मुझे कुछ बताओगी भी? माँ क्या हुआ? माँ माँ पहुँच करो। या अल्लाह खैर क्या करूँ मैं? कोई है? समीना भी नहीं है घर पे, अमर भी, कोई है बेटा? वहां आंखें खोलो बेटा, वहां। हेलो बख्तियार, मैं महा के घर पे हूँ, महा बेहोश हो गई है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, आप प्लीज जल्दी आ जाए। महा महा बेटा जल्दी।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी बेटी? वो ठीक तो है ना? सर उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। गॉड, उनकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है वो पिछले कई अरसे से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थी। आपके लिए एक बुरी खबर है, उनका मिसकैरेज हो गया है। इनिशियल रिपोर्ट से तो ऐसा लगता है जैसे किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो, बाकी हम टेस्ट करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंट की जान बचाना। जी 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 सब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी, उसकी जान तो बच जाएगी। मैम आप परेशान ना हो, आप दुआ कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, जरा प्लीज स्पेशल अटेंशन प्लीज। यस सर। थैंक यू। ओह क्या हो गया ये सब? यार अहमद इतना खबीस होगा मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरी और ईमान की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। महा और मॉम तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, उन्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात। और ईमान वो तो मुझसे बात करने के लिए भी रेडी नहीं है। फखर तुम पहले अपने घर वालों को तो कन्विंस करो, खुद सोचो ना, अहमद और महा का जो रिश्ता है, ईमान और अहमद तो आपस में मिलेंगी, ये लाजमी है। मुझे नहीं लगता कि ईमान वापस आने का सोच भी सकती है जहां पे अहमद उसे फिर। महा बिलावजह ही अहमद को डिफेंड कर रही, बस मुझे डर है कि अहमद की हकीकत खुलकर सामने आएगी। पता नहीं महा ये सदमा बर्दाश्त कर सके भी ना कर सके। महा को सब कुछ पता है, उस दिन जब मैं उसके घर गया था तो। जी डैड। बेटा तुम कहाँ हो? काफी देर से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। डैड वो मैं एक मीटिंग में बिजी था, मैंने कॉल चेक नहीं की थी, I'm sorry। कोई इंपॉर्टेंट बात है? बेटा फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, फौरन। हॉस्पिटल? खैरियत तो है? मॉम की तबीयत तो ठीक है? बेटा माँ हॉस्पिटलाइज है। महा क्या हुआ महा को? अच्छा डैड आप परेशान हो, मैं बस आ रहा हूँ। जी जी मैं थोड़ी देर में पहुंचा, आप परेशान हो। ओके अल्लाह हाफिज। आखिर महा को क्या हुआ? यार महा की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज है वो। मैं साथ चलता हूँ, चलो। अहमद तुम इतने मुतमईन कैसे हो? महा वहां हॉस्पिटलाइज है, सीरियस कंडीशन में। मॉम मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं जो उसे ठीक करता, वो एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में और आई एम श्योर उसके पेरेंट्स उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अहमद महा तुम्हारी बीवी है, इस वक्त तुम्हारा उसके पास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और प्लीज मुझे मेरी गलती का बार बार एहसास मत दिलाया करें। गलती? महा से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। नहीं जाऊंगा मैं हॉस्पिटल, बात खत्म। फूफो आई थिंक हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए माँ के पास। She needs us too. ठीक है चलो। तुम ऊपर जाओ, तुम्हारा होना जरूरी है, मैं जा रही हूं।
मॉम डैड बगर क्या हुआ? माँ ठीक नहीं है, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और उसका मिसकैरेज भी हो गया। क्या इसीलिए मैंने और डैड ने उसको समझाया था कि वापस आ जाए, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी रही, नहीं वापस आई घर। जानता था कि वो अहमर के बारे में सच्चाई नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। क्या मतलब? दानियाल ने उसको अहमर के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी। बस इसका मतलब है कि मेरी बेटी की इसालत के जिम्मेदार तो वो, मेरी बेटी ने तुम्हारी वजह से अपना बच्चा खो दिया। अजमा कैसी बातें कर रही हो तुम, इसमें इसका क्या कसूर है? सच तो एक दिन सामने आना, सो आ गया और मां को भी पता चलना था, चल गया। आपकी बेटी आज जिस हाल में है उसकी वजह सिर्फ उसका अहमर पे अंधा भरोसा है। वो उसे बेवकूफ बनाता रहा, धोखा देता रहा और सारा इल्जाम मेरी बहन पे लगा दिया। दुख तो इस बात का है कि आपने उस पर यकीन भी कर ली। आज मां को दर्द में देख के आपको तकलीफ हो रही है ना, सोचे जिस दिन आपने ईमान को घर से निकाला था तो वो किस हाल में थी। मेरी दुआ यही है कि मां जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन जब कोई इंसान किसी बेकसूर के साथ ज्यादती करता है ना तो वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बचता। पहले ही इतना परेशान है दानियाल भाई, महा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और आपने उन्हें इतनी बातें सुना दी। अरे ईमान, महा की इस हालत का जिम्मेवार मुझे ठहरा रहे थे। मैंने महा को ये तकलीफ जानबूझ के दी है? बहुत प्यार करती थी वो अहमर से, बहुत शौक लगा होगा उसे। दूसरों की मोहब्बत की तो कोई अहमियत ही नहीं है ना इसके आगे। खैर, इसकी अपनी अंतिम मोहब्बत का ही नतीजा है कि आज इस हालत में है। अभी भी चाहते हैं ना आप उसे? यही तो मसला है ईमान, मोहब्बत भी इंसान को कैसे दर दर का भिखारी बना देती है। उसने मेरी इतनी इंसल्ट की, उससे बदतमीजी की, लेकिन ये दिल उसे अब भी उतना ही चाहता है।
होश आ जाएगा उसे इंशाल्लाह। खैर तुमसे मिलने हॉस्पिटल नहीं जा रही, अभी तो होश में नहीं है वो, और अगर होश में आ भी जाएगी तो मुझे लगता है कि मुझे देख के उसकी हालत बिगड़ सकती है। नजमा एक बात का ख्याल रखना, अगर अहमद अस्पताल में नजर भी आए ना तो मुझे फौरन बताना। अस्सलाम वालेकुम। तो फुर्सत मिल गई आपको यहाँ आने की? वहाँ कैसी है? डॉक्टर्स ने क्या कहा? खतरे की कोई बात तो नहीं है? आखिर उसे हुआ क्या है? ये सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए। मेरी बेटी इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ऐसा क्या किया है आपने और आपके बेटे ने जो मेरी बेटी इस हालत में पहुंची है? अख्तियार भाई मेरी बात का यकीन करें, माँ की इस हालत की जिम्मेदार मैं हरगिज नहीं हूँ। उल्टा मैं तो उसे समझा रही थी कि वो ये स्ट्रेस। कैसा स्ट्रेस है उसे, यही मैं जानना चाहता हूँ। अख्तियार भाई अहमर और माँ के दरमियान खासा झगड़ा चल रहा था। और वजह तो आप अच्छी तरह जानते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर मेरी बेटी को खुदा ना खास्ता कुछ हुआ ना तो मैं अमर को छोड़ूंगा नहीं। आप प्लीज चली जाइए यहां से। सिर्फ एक बार मुझे महा को देख लेने दीजिए, मैं यहां से चली जाऊंगी। हमें और हमारी बेटी को अब आपकी जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा, अपने बेटे से कह दीजिएगा आइंदा हमें अपनी शक्ल ना दिखाए। इतना सब कुछ होने के बाद माँ का आप अहमद से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज जाइए यहां से। आप उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? वो तो इतनी बद दिमाग और खुद पसंद लड़की है, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही उसने तो कभी भी आपकी इज्जत नहीं करी, तो आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रही हैं? माँ बदल रही थी, तुम्हारी असलियत ने उसे तोड़ दिया, और तुम्हें जरा अफसोस नहीं है? और इन सब में तुमने अपना बच्चा खो दिया, तुम्हें जरा अफसोस नहीं है? मॉम मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। नजमा तुमने देखा, किसी मासूम और बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लगाने से क्या होता है? हमारी औलाद किस कर्ब से गुजर रही है, कितनी तकलीफ उठा रही है। मैंने कब किसी पर इल्जाम लगाया?
जो बातें मेरे सामने आई मैं तो उसके बाद नहीं। माँ ने और तुमने बहुत जल्दबाजी से काम लिया। मैंने तुमको मना किया था। माँ तो बच्ची है, कम अकल है, मगर तुमने उसका साथ देकर अच्छा नहीं किया। और इसके ऊपर तुम फकर को दूसरी शादी करवाने के लिए ब्लैकमेल करती रही। अब बस भी कर दे बख्तिया, मैं माँ की वजह से पहले ही इतने कर्म से गुजर रही हूं और आप मुझे इतनी बातें सुना रहे। मैं अमर को बख्शूंगा नहीं, उसने मेरी बेटी को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तुमने देखा, अहमर एक बार भी मां को देखने हॉस्पिटल नहीं आया, क्योंकि अहमर खुद मां की इस हालत का जिम्मेदार है। मां तो पहले इतने ज़हनी दबाव का शिकार, और जब उसे ये पता चलेगा कि उसका मिसकैरेज हो गया तो अल्लाह करे मेरी बेटी को होश आ जाए। बाकी बातें तो सब बात की है, नजमा अभी भी वक्त है, खुदा के वास्ते ईमान को घर ले आओ। ये उसकी आंखों की बदौलत है जो मेरी बेटी इस हालत में। बस एक बार मां को होश आ जाए और मैं अपनी बच्ची से बात कर लूं, पता मैं खुद ही मां को मनाने जाऊंगी, बल्कि मैं उसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी और उसे अपने साथ लेकर आऊंगी। मेरी बच्ची ठीक हो जाए, माँ को जिंदगी दे, ठीक हो जाए वो। डैड माँ इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, और ईमान से आप लोग माफी नहीं मांगेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मान भी ये नहीं चाहती कि आप लोग उससे माजरत करें। मैं बहुत जल्द उसे घर ले आऊंगा। ना हो परेशान, सब ठीक हो जाएगा। माँ के लिए दुआ मांग रही थी। क्यों? आप नहीं मांगते उसके लिए दुआ? मैं जानती हूं आप भी उतना ही परेशान। हालांकि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, क्यों मुझसे इतना चिढ़ने लग गए? अहमर की वजह से।
उसके अपने हाथों उसके साथ जितना बुरा हो गया ना, मैं अपने दिल में उसके लिए शिकवे शिकायतें रखी हूँ, क्या करूँ? वहां जितनी वसा तुम्हारे दिल में महा के लिए है, फखर के लिए क्यों नहीं है? रिश्ते की नौयत में बहुत फर्क है। वहां से तो मुझे कभी कोई उम्मीद थी नहीं, और ना ही मान था उसमें। चुप कर जाएं, क्यों रो रही हैं आप? क्या बात है मॉम, आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी वजह से रो रही हूं। आज महा जिस हाल में है ना, समरी इससे कहो चला जाए यहां से, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहती। आप उस महा की वजह से मुझे धुतकार रही है। तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें धुतकार रही हूं। औलाद माँ बाप का गरूर होती है, जिसकी वजह से उनका सर फखर से बुलंद हो जाता है। आज दूसरी बार तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। उन्होंने मुझे महा से मिलने तक नहीं दिया। मॉम आप उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? वो तो इतनी बद दिमाग और खुद पसंद लड़की है, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही उसने तो कभी भी आपकी इज्जत नहीं करी, तो आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रही हैं? महा बदल रही थी, तुम्हारी असलियत ने उसे तोड़ दिया, और तुम्हें जरा अफसोस नहीं है? और इन सब में तुमने अपना बच्चा खो दिया, तुम्हें जरा अफसोस नहीं है? मॉम मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। हाँ तुम तो उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे, मैं समझ रही थी कि तुम बदल जाओगे, मगर खून ने तरबियत को फौकियत दे दी। तुमने भी वही किया जो तुम्हारे बाप ने किया था, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मॉम प्लीज आप महा को खुद से ना मिलाएं, आप महा को जानती नहीं है वो क्या चीज है। वो किसी को खुश नहीं देख सकती, अपने सगे भाई को खुश नहीं देख सकती, वो भाई जिसके लिए जिंदगी में सबसे अहम महा है, वो सिर्फ अपनी अहमियत मनवाना जानती है, उसकी जिंदगी में किसी की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन तुम्हारी अहमियत थी उसकी जिंदगी में। अहमद मेरी एक बात याद रखना, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हौसला करे पप्पो, मैं कितनी खुश थी समरी कि इस घर में खुशी आने वाली है, मगर सब ठीक हो जाएगा पप्पो। नहीं समरी, अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। माँ कैसी है? बहुत सीरियस कंडीशन है उसकी इवान, इसे लेकर तुम्हारे दिल में बहुत सी शिकायतें हैं,
अगर प्लीज उसे कोई बददुआ ना देना, उसे जरूरत है तुम्हारी दुआओं की। फखर, मैंने जिंदगी में आज तक किसी को बददुआ नहीं दी। ये मां वहां इस वक्त बहुत बुरी हालत, मैं डैड मॉम हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो तुम आ सकती हो क्या? हम सबको तुम्हारी जरूरत है। और मुझे माँ को मुझे वहां देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। लेकिन वो तो होश में ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अगले चंद घंटे उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उसे होश ना आए तो वो कॉमे में भी जा सकती है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि माँ को बहुत जल्द होश आ जाएगा। तो तुम नहीं आओगी? देखो इमान, अगर तुम चाहती हो तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार। इमान, अच्छे तरीके से और कौन जानता होगा। बहुत नुकसान किया तुमने मेरा ईमान और अब तुम मेरे और अहमद के बीच में आ रही थी। मैं तुम्हारा वजूद इस घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकलो यहां से। वहां मॉम बस बहुत हो गया। आज तो उसने अपनी सारी हदें ही पार कर दी हैं। आपके सामने है ना सब कुछ, और अगर आज आपने इसे इस घर में रहने दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरे बच्चे की मां हो, इसलिए मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। उस वक्त तक इस घर में वापस नहीं आना जब तक कि तुम ईमान के पैसे वापस नहीं ले आओ और उस पर लगे इल्जामों की माफी ना मांग लो उससे। मैं कहां से दूंगी पैसे, वो तो फरिया लेकर गई। ये मेरा मसला नहीं। फैसल, फैसल आप मेरी बात तो सुने ना। जाओ अभी के अभी जाओ और ईमान के पैसे लाकर उसे वापस करो। फैसल, आपको टीपू का भी कोई ख्याल नहीं? हमारी औलाद क्या करेगी? टीपू का नाम लेकर ब्लैकमेल नहीं करना मुझे। भले जा रही थी ना उसे छोड़कर, अभी के अभी जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देके निकालूंगा यहां से। निकलो यहां से। सनिया, ये ले बेटा। ये क्या है अम्मी? ये 20 लाख रुपए है, मैं सुबह बैंक से निकलवा के लाई थी। तुम ये ईमान को दे देना और अपने घर चले जाओ। ये क्या कह रही है अम्मी? ये तो आपकी सेविंग्स है, सारा जेवर भी फरिया ले गई है। कोई बात नहीं, वो जेवर उसी का था और ये तुम्हारा हिस्सा। और ये जो घर है ना, मेरे मरने के बाद तुम दोनों बहनों का ही तो है।
अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? सबने एक दिन जाना ही तो है, और तुम अगर अपने घर में आबाद रहोगी तो मेरा दम आसानी से निकल जाएगा जमीन। वैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अल्लाह ने मुझे फैसल जैसा दामाद दिया जिसकी मैंने कदर ही नहीं की, और तुम दोनों बहनों को भी मैंने कभी कोई अच्छी सीख नहीं दी कि तुम अपने ससुराल की इज्जत करो, शायद इसी का नतीजा। और आज देखो, मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, एक बेटी घर बैठी है और दूसरी का परेशान मत हो, मरिया भी आ जाएगी वापस। दुनिया बड़ी जालिम है, उसे एहसास होगा खुद ही वापस आ जाएगी। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, रख ले। समिया। हाँ मेरे पास काफी जेवर है, मैं वो दे दूंगी ईमान को, वो उसे बेचकर अपने पैसे पूरे कर लेगी। नहीं चाहिए मुझे अब पैसे, और यू आप पर बोझ बनना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एक बात तो समझ चुकी हूं मैं, औरत का मैका जितना भी मजबूत हो जाए कुछ नहीं होता अगर उसका अपना घर ही कमजोर पड़ जाए।